समझ नहीं आ रहा है। टेंशन क्यों ले रहे हो यार, टेंशन क्यों ले रहे हो। हेलो दोस्तों, कैसे हो फ्रेंड फ्रेंड आज आपकी भाभी सालू के ऊपर तगड़ा प्रैंक करने वाला हूँ। दोस्तों आप लोग हमेशा बोलते हो कि स्क्रिप्टेड प्रैंक बनाते हो, तो आज मैं दिखा देता हूँ कि सालू घर में कहीं पे भी नहीं है। ये हॉल है हमारा, आप देख सकते हो कहीं पे भी नहीं है। और मैं यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, कभी आप बोलोगे कि सालू छुपी होगी, तो वॉशरूम में भी नहीं है। और ये हमारा बेडरूम है, यहाँ पे भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो बाजार गई है सब्जी लेने के लिए। और ये गेट लगा हुआ है, ये देख सकते हो दोस्तों, ठीक है। अब तो तगड़ा प्रैंक होने वाला है सालू के ऊपर, कसम से दोस्तों, बहुत ही बढ़िया प्रैंक है। तो मैं कैमरा को यहाँ पे छुपा देता हूँ और सालू का इंतजार करना है मुझे, कसम से दोस्तों, सच्ची में। अब करते हैं सालू का इंतजार। सब्जी लेने के लिए गई है, ये मंडे मार्केट लगता है हमारे घर के पास, तो वहीं पे जाती है सब्जी लेने के लिए। आधे घंटे हो गए गए हुए, अब शायद आ भी रही होगी, तो करते हैं सालू का इंतजार। आ गई दोस्तों, लग रही है आ रहा हूं। यार मेरी तबीयत खराब हो रही है, मैं नहीं जाता सब्जी लेने। हर रोज सब्जी लेके तो आता ही हूँ यार। पर आपको जाने ही नहीं है, ये बोलो ना आपको जाने ही नहीं है मेरे साथ, नखरे ही रहते। अभी क्या कर रहे हो अभी यहाँ पे घर में बैठ के, मेरे साथ चले जाते तो क्या हो जाता आपको। यार मेरे को ये बता, तबीयत खराब है तभी तो मैं बैठा हूँ। गर्मी लग रही थी, मेरे हाथ दुख गए, तभी सारी सब्जी लेके आते हुए। चलते मेरे साथ, तबीयत जब ठीक होती तब मैं चला जाता हूँ। क्या हो गया आपको, अभी तक तो बिल्कुल ठीक थे। क्या बताओ यार तेरे को मैं, क्या हो गया। अब मेरे पेट में दर्द हो रहा था ना। हाँ तो कुछ खा लिए होगे। तो मैं गया था डॉक्टर के पास, ठीक है ना, तुम्हें तो कुछ बताऊंगा ना, तभी तुम चिल्लाओगे, नहीं बताऊंगा तभी तुम चिल्लाओगे। क्या हो गया। डॉक्टर के पास गया था, डॉक्टर ने बोला किडनी स्टोन है मुझे। आपको? हाँ। चिल्ला रहे हो सही में, अभी तो नहीं है यार सब्जी लेने के लिए। यार मजाक कर रहे हो मेरे साथ। अच्छा तुम्हें मजाक ही लगती है, सच्चाई बताऊंगा वो भी मजाक। क्या करूँ यार, कुछ समझ नहीं आ रहा यार। इतना पानी पीते हो दिन भर, मुझे बोलते रहते हो तू पानी पी इतना पूरे दिन भर में, खुद इतना पानी पीते हो, इतना एक्सरसाइज वगैरह करते, तब भी क्या करूँ। मैंने पापा को भी नहीं बताया, किसी को भी नहीं बताया यार, ऐसे भी पापा टेंशन में रहते हैं, मम्मी के टेंशन में रहते हैं। मम्मी चली गई जनवरी में ही, और अब मैं भी बता दूंगा कि किडनी स्टोन हो गया, तो क्या बीतेगी उन पर, इसलिए मैं तेरे को ही बताना नहीं चाह रहा था। आपको कैसे हो गया, मेरे को तो समझ में ही नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा, समझ में आ गई, रिपोर्ट देख लो यहाँ पे अलमारी में रखा हुआ है, तुम्हारे पैर ही है, देख लो उसी में रिपोर्ट रख दिया था मैंने। मैं सोच रहा था कि नहीं बताऊँ, लेकिन फिर सोचा यार मैं कोई काम नहीं करूँगा, फिर तुम बोलोगे कि आलसी हो इसलिए तुम मुझे बता नहीं रहे हो। बता दिया है, पढ़ लिया रिपोर्ट है ना। चल गया पता, वो
इतने पैसे भी नहीं है यार जो इलाज करा सकूं। वैसे इतना दिन भर पानी पीते रहते हो, आप मेरे को बोलते रहते थे, कह रहे तू पानी पी सालू पानी पी, तेरे को नहीं होगा। तो मैं मजाक कर रहा हूँ, रिपोर्ट तुम्हारे सामने पढ़ लिया ना रिपोर्ट। अब तुम चले जाओ अपनी मम्मी के पास, तुम वहीं रहना। मैं भी चली जाऊँ अपनी मम्मी के पास, ये कौन सा मतलब आपका? बस तुम वहीं रहना। क्यों रहो? क्या करोगे बीमारी आदमी के साथ रहकर? फालतू की ना बातें मैं बोला करो मेरे सामने, ठीक है ना? फालतू की बातें बीमारी अगर होती है ना इंसान को तो ठीक भी हो जाते हैं, ठीक है? फालतू की बकवास मत करो मेरे से। समझ नहीं आ रहा यार। तो ठीक है ना, ठीक हो जाएगा ना, टेंशन क्यों ले रहे हो? ठीक होगा, क्यों नहीं होगा? ठीक होती नहीं है क्या? अच्छा नहीं होती है। अब हो गया तो हो गया यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पापा को बताऊंगा टेंशन में आ जाएंगे, निश्चल को मत बताना ये चीज। अरे यार कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम टेंशन क्यों ले रहे हो यार? टेंशन क्यों ले रहे हो? जो होना था वो हो गया, कोई बात नहीं, देखते हैं अगर ठीक हो गया तो हो गया, नहीं तो दूसरी शादी कर लो। फालतू की बातें मत करो मेरे से, ठीक है ना? यार अब भी गुस्सा। अरे तो फालतू की बातें क्यों कर रहे हो? शादी करने में यही दिन रह गया क्या मेरे? हाँ दे यार। अब आ गई समझ? क्या सोच रहे हो? अरे तो इसका इलाज भी तो है, ठीक हो जाती है बीमारी। मैं घर का कोई काम नहीं कर पाऊंगा ना, सब्जी लेके आ पाऊंगा मैं, दूध लेके आ पाऊंगा, डॉक्टर ने मना किया थोड़ा सा भी वजन उठाने के लिए, ना मैं वर्कआउट कर पाऊंगा, फिर से शायद मैं मोटा हो जाऊं, तुम्हें तो पसंद नहीं है, इसलिए मैंने वेट लॉस किया था, मैं पतला हो गया हूं, तो इसलिए प्लीज आप चले जाओ मायके, वहीं रहना। मुझे कौन सा बकवास कर बोलूं? अरे यार बकवास नहीं कर रहा यार, हकीकत बता रहा हूँ यार, ठीक है? तुम्हें तो हर चीज बकवास ही लगती है, हर चीज बकवास। अब ये मत बोलना कि प्रैंक कर रहा हूँ, ठीक है ना? प्रैंक नहीं कर रहा, रिपोर्ट तुम्हारे सामने, ठीक है ना? फिर तुम बोलेगा प्रैंक तो नहीं कर रहे, मैं तभी तो नहीं लेता सब्जी लेने के लिए, तो मैं जाता नहीं सब्जी लेने के लिए। चुप क्यों है? एक गिलास नींबू पानी बना के ले आया, चाय तो मैं पीऊंगा नहीं, जा। अब रो क्यों रही है यार? आते यार रो रही है, हैं? रो क्यों रही है यार? मैं चला जाऊं घर से? रो रहे हो यार, तुम्हें तो मोटिवेट करना चाहिए रोने के लिए बैठ के। शांत हो जाओ, एक गिलास नींबू पानी बना के ले आओ। अब क्या हो गया तुम्हें यार? देखो मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, ठीक है? शांत क्यों हो गए? हद है यार, समझ में नहीं आ रहा। अब आ गई समझ में बात? अब भी नहीं आई है? ये हकीकत है, हकीकत से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, वो सच्चाई होती है, ठीक है? हकीकत बता रहा हूं तुम्हें। चीज में तुम्हें मजाक लगता है यार। नींबू पानी बना के लेके आओगे?
क्या हो गया यार, चुप क्यों हो गए यार? तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? प्रॉब्लम मेरे को हुई है ना? ये कौन सी बात है कि प्रॉब्लम मेरे को ये तेरे को नहीं हुई? तो फिर तुम चुप क्यों बैठ गए? आपकी प्रॉब्लम क्या, मेरी प्रॉब्लम नहीं है क्या? सोच रहे हो कि अब ये सामान नहीं लेके आएगा, घर का सारा काम मेरे को करना पड़ेगा? तुम तो खुद नहीं ला सकती क्या सामान? आज तुम की बकवास कर रही हो। मैं समझ सकता हूँ, इमोशनल है, रो रही है, शांत हो जा, ठीक है ना? इतना ज्यादा यार इमोशनल मत हो, क्योंकि ऐसे ही मैं प्रैंक ही कर रहा हूँ, तो कैमरा लगा हुआ है सामने। प्रैंक कर रही है? आज मैं गया था अपने दोस्त से मिलने के लिए। ये फिर ये कहाँ से लेके आए यार? कंप्यूटर से निकाल के। कैसा लगा मजा? आई एम फिट, मैं फिट हूँ बिल्कुल, ठीक है। अरे नाराज मत हो, पागल हो इस तरह की प्रैंक करते हो? क्या हो गया, तुमने किया नहीं था प्रैंक? मैंने क्या प्रैंक किया? दो तो दिन मैंने ऐसा तो कोई प्रैंक नहीं किया तुम पर। दो दिन प्रैंक किया था ना तुमने? आपकी भाभी हो गई है इमोशनल। नींबू पानी तो ले आ बना के। अब तो सारा काम आप ही से कर दूंगी, टेंशन नहीं। आपकी भाभी हो गई दोस्तों नाराज, कसम से दोस्तों। कैसा लगा प्रैंक वीडियो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अच्छा लगा होगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी, और अपने भाई को इंस्टा पे जरूर फॉलो कर ले, स्वीट फैमिली शो के नाम से। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो। ओके बाय।